यूपीएससी प्रीलिम्स में जो भी पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज हम उनको करेंगे नाउ दिस इज द स्टोरी मेरे पास दो तरीके थे ये काम करने के मैंने अपनी टीम से पूछा स्टडी आईक्यू से कि कैसे करवाना चाहिए तो उनकी एक एडवाइस ये थी कि आप पुराने जो भी क्वेश्चंस हैं उनको देखिए और फिर उनको अपने जिन लेक्चर्स में जिस जिस पॉइंट पे आपने वही चीज सिखाई थी वही चीज पढ़ाई थी उन्हीं चीज को आप स्क्रीन के साथ दिखा दीजिए ताकि छात्रों को यह पता रहे कि हाँ तैयारी बिल्कुल यूपीएससी पैटर्न के प्रकार से हो रही है इट वॉज वन ऑफ ए गुड आइडिया मैं क्वेश्चन लेता कि फंडामेंटल राइट right का क्वेश्चन है जैसा पूछा गया था अगर मैंने वो लेक्चर में कराया है तो मुझसे स्क्रीन शॉट आपको दिखा था कि ये यह यहाँ पे करवाया था एंड देन वी कूड हैन द्वेश्चन इट वॉज वन वे टू डू इट हवेवर वी चोज टू डू इट डिफरेंटली डिफरेंटली इन द सेंस मैंने अपनी टीम से बोला कि पिछले प्रीवियस ईयर्स के जो भी हमने पहली तीन यूनिट किए हैं लक्ष्मीकांत की उसके पी वी टी बना के मुझे दे दे नाओ उसके साथ में अब आपके साथ ये लाइव यहीं पर सॉल्व करूं आई डू नॉट नो वट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट स्लाइड मुझे नहीं पता अगली स्लाइड में क्या है अगली पीपीटी में क्या है मैंने वो क्वेश्चन किए भी नहीं है वो क्वेश्चन मैं आपके साथ ऑनलाइन अभी सॉल्व करूंगा एंड देर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी उसमें से कुछ गलत भी हो जाए एंड आई प्रॉमिस यू आई क्रॉस माई हार्ट एंड आई होप टू डाई अगर कोई भी गलती भी हुई इस रिकॉर्डिंग के द्वारा दैट विल ऑल्सो बी अपलोडेड एज इट इज

ज स्ट्रॉ पॉसिबिलिटी उसमें से दो तीन चार क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं आने वाले भी और सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व कर दू बट इन द इंटरेस्ट ऑफ दस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी मुझे नहीं पता अगली कौन सी स्लाइड आने वाली है एंड वी आर गोइंग टू डू इट राइट नाउ लाइ कोई भी गलती होगी दैट विल अपलोडेड एज इट इज आई प्रोमिस यू कोको की कसम चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से प्रिलिम्स के क्वेश्चन से लेट्स डू एंड स्टार्ट डूइंग इट कैसे करते हैं ये क्वेश्चंस जो लक्ष्मीकांत की पहली तीन यूनिट्स हैं यानी कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फर्स्ट पांच पार्ट्स जो हैं उसके बाद सेंटर स्टेट रिलेशंस और उसके बाद जो हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव का जो पार्ट किया है सिर्फ उन्हीं से संबंधित है एटलीस्ट इंस्ट्रक्शन यही थे अगर कोई और आ जाता है तो हमें यह देखना पड़ेगा लेट्स स्टार्ट डूइंग इट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आपको भी मेरे साथ साथ ये क्वेश्चन करने पड़ेंगे

Uh, एक जनरल रीडिंग भी अगर हमें एग्जाम की हुई हो कॉन्स्टिट्यूशन uh, के फीचर्स अगर हमने पढ़े हो तो वी कैन प्रोबली से कि दोज आर दी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द द स्टेट पॉलिसी इज रीजन रीजन इन सेंस क्योंकि हम जब क्लास में कर रहे थे तो हमने ये भी डिस्कस किया ही था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज बेसिकली सिनोनिम फॉर इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन दी गई है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल डायरेक्ट डायरेक्शन दे रहे हैं दे आर बेसिकली दी इंस्ट्रूमेंट ऑफ तो ठीक है आई so, इस क्वेश्चन में सोचने की समझने की कोई कॉन्सेप्चुअल क्रियरिटी नहीं थी ये सिंपल और सिंपल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था आंसर एक्चुअली स्टेज बी याद रखिए सारे के सारे क्वेश्चन जो आने वाले हैं देआर ऑल यूपीएससी प्रिलियम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले पिछले दस पंद्रह सालों में यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं दिस सीम्स लाइक एजिटिमेट क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं और उसके बाद स्टेटमेंट्स में कहीं से चुनना होता है ये सबसे ईजी होते हैं सोल्व करने के लिए हाउ लेट सी दैट

द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया ऑटोमेटिकली नॉमिनेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कम्युनिटी टू लोकसभा इतनी अब्सर्ड और गलत स्टेटमेंट है कि मैं इस स्टेटमेंट को पहले ही काट दूंगा मुझे पता है कि लोकसभा में अब कोई आदमी नॉमिनेट होता ही नहीं है और नॉमिनेट होते थे तो वो एंग्लो इंडियन हुआ करते थे तो ये हंड्रेड परसेंट गलत है विच मीनस स्टेटमेंट गोज डाउन दिस स्टमेंट गोजन जिसके अंदर भी दो था वो हंड्रेड परसेंट गलत है एंड दोनों स्टेट में कॉमन वन है यानी कि वन मुझे गलत लगे या सही लगे वो ऑटोमेटिकली सही है तो कोई समस्या नहीं है इसका मतलब इस क्वेश्चन को तो सिर्फ और सिर्फ तभी किया जा सकता है जब मुझे थर्ड स्टेटमेंट के बारे में पता हो यानी फर्स्ट स्टेटमेंट हम ये वी कैन नो हम आर्टिकल ट्वेंटी नाइन थर्टी में एडमिनिस्टर एक्सक्लूसिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट दिए हुए हैं बट एक्चुअली में उससे फर्क नहीं पड़ता इवन दो आपको स्टेटमेंट वन आती है इट डज नॉट हेल्प यू एट ऑल इट कैन डिराइव बेनिफिट फ्रॉम दी प्राइम मिनिस्टर्स फिफ्टीन पॉइंट प्रोग्राम सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन हमें ये क्वेश्चन सॉल्व कराएगी दो सेकेंड वाले ने हमें फिफ्टी परसेंट चांस पे कर दिया नाउ अगेन फिफ्टी फिफ्टीन पॉइंट प्रोग्राम हमने किया नहीं है राइट वी हैव नॉट डन इट टिल नाउ बट अगेन फिफ्टीन पॉइंट प्रोग्राम जो है वो माइनॉरिटीज के लिए है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सरलता से वी कैन एक्चुअली गो अगर आप जनरली करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे ये ऐसा मत कि 15 पॉइंट प्रोग्राम एक्स्ट्रा कहीं से पढ़ना पड़ता है ये नॉर्मली करंट अफेयर्स के अंदर रेगुलरली किसी भी समय आपको पता चल जाएगा कि ये जो पंद्रह पॉइंट प्रोग्राम है ये माइनॉरिटी से संबंधित है इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन मुझे भी नहीं है आई प्रॉमिस यू मुझे सिर्फ और सिर्फ ये पता है कि फिफ्टीन पॉइंट प्रोग्राम माइनॉरिटी से रिलेटेड एंड आई हैव जीरो बियॉन्ड इट माइनॉरिटी से रिलेटेड है तो ठीक है आंसर लगा दिया मैंने इसका सी अभी तक गुड टू गो दो क्वेश्चन हैं आई एम मच श्योर कि दोनों के दोनों सही थे अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वन इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी मैंने फंडामेंटल ड्यूटीज करते हुए बताया था कि भाई वो एक बार ग्यारह की ग्यारह जो फंडामेंटल ड्यूटी है याद कर लेनी चाहिए ठीक है टू डिवेलप दाइंटिफिक टेम्पर ये आपके टेलीग्राम चैनल में कम से कम तीन बार जा चुकी है दो तीन बार ट्विटर पे भी जा चुकी है ये मेरी फेवरेट फंडामेंटल ड्यूटी टू डिप साइंटिफिक टेम्पर टू अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन ये भी है टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी Uh, मुझे याद नहीं आ रहा है आई आम आम नॉट क्लियर अबाउट इट टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन दैट इज डेफिनेटली नॉट ए अच्छा टू वोट ये नहीं है रीजन okay. बींग मुझे ऐसा लगता है तो टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी क्योंकि जो वोट के कैंपेन चलते हैं वोटिंग इलेक्शन कमीशन कैंपेन चलाते हैं जब नई इलेक्शन है वोट कीजिए वोट कीजिए वोट कीजिए अगर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर वोट करने की पब्लिक इलेक्शन में ड्यूटी फंडामेंटल ड्यूटी होती ना सो एवरी सच कैंपेन वुड है मतलब इस समय मुझे जो कंफ्यूजन है वो सेफ पब्लिक प्रॉपर्टी में है और वोट इन पब्लिक इलेक्शंस में मेरा दिमाग कह रहा है कि अगर पब्लिक इलेक्शंस में वोट करना एक्चुअली में फंडामेंटल ड्यूटी होती इलेक्शन कमीशन के हर कैंपेन में ये बात होती वी वी वुड हैव हैव सीन सीन इट इट इन इन नॉट और मोर लेस पब्लिक प्रॉपर्टी मुझे कहीं हल्का हल्का ध्यान आ रहा है राइट सो आई बिलीव ए ए इट इज आई एम गोइंग फॉर ए आई एम ऑलमोस्ट हंड्रेड श्योर कि इट इज ए राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द स्कीम प्रोवाइडेड ठीक है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट पहले इसके बारे में थोड़ा सोच लीजिए क्या होता है ये दिस दिस इज थिंग शेड्यूल जो होता है राइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का मतलब है कि सेंटर किस चीज पर कानून बना सकती है और स्टेट किस चीज पर कानून बना सकती है राइट right? तो वो हमने शेड्यूल सेवन में दिया हुआ है अब मॉर्लीमेंटो मोन्टेक चेंजफोर्ड बहुत ही पुराने हैं यार uh, बहुत ही पुराने हैं मेंट ऑफ इंडिया एक्ट अगेन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बेसिकली सारा का सारा नाइनटीन थर्टी सिक्सेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थर्टी राइट तो हमारे पास एक चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सिस के अंदर जो भी सोर्स याद है वो ठीक है और जो नहीं याद है वो बेसिकली गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन थर्टी फाइव से होता है ऑलमोस्ट सारा का सारा सिस्टम दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज डेफिनेटली हम जब हिस्ट्री में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइव पढ़ते हैं तब भी बेसिकली कि किस प्रकार से रेजिड्यूरी पावर्स किसको दी गई थी स्टेट सेंट्रल पावर प्रोविंसिस को कौन कौन से लॉ बनाए गए थे सो अगेन दिस इज अ नॉट अ कॉन्सेप्चुअल आंसर दिस इज नॉट अ कॉन्सेप्चुअल दिस इज बेस्ड ऑन द नॉलेज अगर आप बुक पढ़ोगे तो ये आप सबको आ जाएगा आई डोंट थिंक सो इज अ मच प्रॉब्लम फॉर इट दिस इज सी फॉर श्योर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकते थे बट इट इज इंटरेस्टिंग कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते वक्त कभी भी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट नहीं पढ़ा जाता इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट सिर्फ और सिर्फ ये था कि बेसिकली भारत की जो ये भूमि है इसको दो भागों में बांटने का उसके अंदर प्रावधान है सो इट हैज टू बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हंड्रेड थर्टी सी इट इज राइट आई बिलीव सो आई होप यू अग्री विद मी बिकॉज आई थिंक वी आर राइट आई हैच क्वेश्चन इज गोइंग टू कम एंड इफ आई मेक अस्टेक आई आई एल अपलोड इट ओके रिमेबर इट सो आई एम डूइंग इट राइट विद यू वी आर डूइंग इट टूगेदर फॉलोइंग प्रोविजन अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एज एनसाइड इन द कॉन्टीट्यूशन ठीक है डी पी एस पी कर रहे हम सिक्योरिंग फॉर सिटीजन सिविल कोड इट्स डी पी एस पी विज पंचायत डीपीएसपी प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरिया डीपीएसपी सिक्योरिंग फॉर ऑल द वर्स रीजनेबल लेजर एंड कल्चर अच्छा विच ऑफ दबर गांधी अच्छा ओके okay, ओके okay. चार डीपीएसपी दिए हुए हैं हमें बताना है कि कौन सा गांधी प्रिंसिपल है ओके okay. अच्छा इस क्वेश्चन से एक बात अंडरस्टैंड कर लो लुक एट द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन हमने जब भी पढ़े थे तो हमने उसकी तीन डिफरेंट क्लासिफिकेशन पढ़ी थी जो गिवन नहीं है बल्कि बनाई गई है पॉलिटिकल uh, एक्सपर्ट्स के द्वारा सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स गांधीयन प्रिंसिपल्स एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स अब अगर यूपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है ना कि गांधीयन प्रिंसिपल्स की उन्होंने पूछ लिया कि इसमें से कौन सा है यानी कि अब किसी भी दिन वो सोशलिस्ट भी पूछ सकते हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल भी पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन के द्वारा इस इस आ, सवाल के द्वारा आपको पता चल जाना चाहिए कि अब आप बेसिकली आपको डीपीएसपी पढ़ते हुए क्या याद रखना है <coughs> ये आपको आइडेंटिफाई करना है चलिए गांधीयन कौन से सिक्योरिंग द सिटीजन ऑफ इंडिया पंचायत हंड्रेड है गांधी जी वॉज ऑल अबाउट पंचायत कॉटेज इंडस्ट्री अगेन वो खुद चल चलाते थे कॉटेज इंडस्ट्रीज का वो बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करते थे सेकेंड और थर्ड किस में सेकेंड और थर्ड इसमें सेकेंड और थर्ड इसमें है सिक्योरिंग फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नॉट गांधी इसमें गांधी इट्स ओके सी मुझे सिर्फ इसमें हंड्रेड परसेंट जो श्योरिटी है फर्स्ट वाला गांधीयन नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होता है गांधी वाला नीदर इट इज सोशल एक्चुअली लिबरल राइट सबके पास सेम टू सेम कोड होना चाहिए ये एक लिबरल आइडिया सबके सेम टू सेम राइट्स होने चाहिए एक लिबरल आइडिया सो फर्स्ट जैसे ही फर्स्ट गया मुझे अब खत्म मेरा आंसर मुझे आईडेंट नीड टू रीड दी नेक्स्ट और ना ही मैं पढ़ता पेपर में भी मुझे पता है यूनिफॉर्म सिविल कोड गांधी है बाकी का चाहे मुझे पता हो या ना पता हो इंडीड अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड हटा दिया जाए तो आई वुड बी हंड्रेड परसेंट कंफ्यूज इन सिक्योरिंग फॉर ऑल द वर्कर्स रीजनेबल लेजर एंड अपॉर्चुनिटीज क्योंकि गांधी जी वॉज ऑल अबाउट द वर्कर्स एंड फार्मर्स सो आई वु कन्फ्यूज हाउ एवर इट क्लियर कि सिर्फ सेकंड और थर्ड ही करेक्ट हैं विलेज पंचायत और कॉटेज इंडस्ट्रीज और क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि फोर्थ वाला नहीं है इसका मतलब है कि फोर्थ वाला जो है वो सोशलिस्ट है ऑटोमेटिकली अब मुझे पता चल गया द कंफ्यूजन इज फार अवे स्वीट सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी बी होपफुली होपफुली नहीं आई थिंक वी आर प्रीटी श्योर नाउ राइट वी आर प्रीटी श्योर क्योंकि फर्स्ट है नहीं तो बाकी कट ही जाएगा सो प्रीटी श्योर बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ये तो हमने रिसेंटली किया है होप हम इसको सही कर पाएंगे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इज अपॉइंटमेंट किसी भी हाउस uh, के मेंबर नहीं होने चाहिए बट मस्ट बिकम अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउसेज विद इन सिक्स मंथ्स नीड नॉट नेसेसरली बी अ मेंबर ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट बट बस्ट बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा मस्ट भी अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट मस्ट भी मेबर ऑफ लोकसभा ईजी है हम आ, अगर वो चैप्टर नहीं भी पढ़ा है हमने पीएम का तो हमें कुछ दो तीन चीज़ें याद रह सकती हैं जैसे कि मनमोहन सिंह जी और इंदिरा गांधी जी के बारे में हमने एक बार पढ़ा था कि वो दोनों के दोनों राज्यसभा के मेंबर थे बट देवर प्राइम मिनिस्टर्स सो वी आर श्योर कि ये जो स्पेसिफिकली है मेंबर ऑफ लोकसभा दिस डजन स्टैंड मस्ट बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा ये भी ये भी नहीं स्टैंड कर रहा है मस्ट जो भी जो भी ऐसे यूनिवर्सल स्टेटमेंट होते हैं आर आर लाइक कॉन्क्रीट स्टेटमेंट मस्ट बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा इनके ऊपर इमीडिएटली फोकस किया करो क्योंकि ये बाइनरी है या तो ये हंड्रेड परसेंट गलत होगा या हंड्रेड परसेंट सही होगा मस्ट बी अ मेंबर ऑफ वन ऑफ ऑफ द द पार्लियामेंट यस दिस इज ट्रू ओके दिस इज गुड क्वेश्चन दिस इज अ गुड क्वेश्चन वाई सुनो सी इज राइट C is right. The prime minister must be a member of one of the houses of the parliament. Okay. However, A is also right. Need not necessarily be a member of the houses of parliament, but must become a member of one of the houses within six months. C is wrong. Actually, he must be a member. So, हाँ सी इज रॉन्ग सी सी इज इज क्लियर क्लियर कट रॉन्ग है सॉरी इट्स नॉट राइट सो ए ए इट इज ये हमने डिस्कस नहीं किया था राइट हाइपोथेटिकली स्पीकिंग हम में से कोई भी मिनिस्टर बन सकता है अगर हम नरेंद्र मोदी जी को मना ले एक्चुअली में अगर नरेंद्र मोदी जी कहें कि मैं रिटायर्ड मैं रिजाइन ले लेता हूं तुम खुद प्रधानमंत्री बन जाओ तो भी हम टेक्निकली बन सकते हैं बाद में छह महीने के अंदर अंदर हम या तो राज्यसभा में मेंबर बन जाए या फिर लोकसभा में मेंबर बन जाए सो दिस गोज फॉर ए आउटस्टैंडिंगली सीम्स लाइक वी हैव सॉल्व इट ऑल्सो यूपीएससी या तो आसान क्वेश्चन पूछता है या फिर हम सबके सब, सब लक्ष्मीकांत बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं आई थिंक दिस दिस ओनली टू टू डू इट ऑफ द फॉलोइंग अमंग फंडामेंटल ड्यूटीज लेट डाउन इन द

फर्स्ट भी कॉमन है वी जस्ट नीड टू फाइंड की सेकंड इज द फंडामेंटल ड्यूटी और नॉट और बाकी तीनों के तीनों पढ़ने की भी जरूरत नहीं है ठीक है सो वी जस्ट नीड टू फाइंड दिस वन इसका ये फंडामेंटल ड्यूटी है या नहीं है फर्स्ट है एंड एक्सीलेंस इन ऑल तो फोर्थ भी है ऑल्स cool. यानी एक मतलब कि ग्यारह याद नहीं करनी है फंडामेंटल ड्यूटीज दो तीन उसमें से अच्छी तरह से याद हो जाए ना यू आर ऑलरेडी एट दिफ्टी परसेंट विच इज अ वेरी वेरी गुड स्टेक

पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ ये 2013 का है इसमें यहाँ पे लिख भी दिया उन्होंने पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इंप्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज ऑल राइट कैसे या तो उनको कंसेंट लेना पड़ेगा स्टेट का कंसेंट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द स्टेट द कंसेंट ऑफ द स्टेट कंसर्ड विद द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट थिंक वेर क्लियर राइट कॉन्सेपच्चुअल इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है इंटरनेशनल ट्रीट के लिए हमें ये पढ़ा था सेंट्रल स्टेट रिलेशन में लेजिस्लेटिव रिलेशन में पढ़ते वक्त हमने बात किया था कि इंटरनेशनल ट्रीटी के लिए सर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी भी प्रकार से लॉ बना सकती है मोर इंपॉर्टेंटली थिंक अबाउट इट विद द कंसेंट ऑफ ऑल स्टेट हर इंटरनेशनल ट्रीटी के लिए हर स्टेट का कंसेंट लेना दैट वुड बी ए नाइट मेयर

अगैन विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट कंसर्न माइट भी समथिंग सीम लॉजिकल कि बांग्लादेश के साथ कोई इंटरनेशनल अग्रीमेंट किया है रिवर का सो डोंट यू थिंक जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर टच करते हैं वो उनका रज लिया जा सके बट देन वी रियलाइज कि स्टेट्स जो हैं वो हमारे यहाँ पर हमारा एक फेडरल स्ट्रक्चर जो है इट्स नॉट द यू एस फेडरल स्ट्रक्चर हमारे फेडरल स्ट्रक्चर हमारे में यूनियन सुप्रीम है उट देंट ऑफ द स्टेट तो पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना सकता है इंटरनेशनल ट्रीटी को इंप्लीमेंट करने के लिए इन दफ इंडियाइंग प्रिंसिपल्स आर इम्प्लाइड इंस्टीट्यूशनली इन दी पार्लियमेंट्री गवर्नमेंट अच्छा पार्लियमेंट्री गवर्नमेंट में कौन सा प्रिंसिपल है the, जो भी तीन सेंटेंस दिए हो गए ना ये, ये पार्लियमेंट्री गवर्नमेंट के प्रिंसिपल है ओके okay. ठीक अभी हमें दिस इज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो होती है शब्द है इसमें वट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ दिस ओके नहीं आते होंगे तो फंसेंगे हम मेंबर्स ऑफ कैबिनेट आर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यस आई थिंक मिनिस्टर्स होल्ड टिल दे एंजॉय कॉन्फिडेंस इन पार्लियामेंट यस कैबिनेट इज हेडेड बाय द हेड ऑफ दिस थ्री uh, से ये भी गया 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 ये ये भी भी कैबिनेट इज नॉट हेडेड बाई द स्टेट प्रेसिडेंट होता है छोटा मतलब सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए गवर्नमेंट ही वर्ड डिफरेंट है स्टेट प्रेजिडेंट होता है को तो प्रेजिडेंट हेड नहीं करते हैं तीसरा गलत है इवन अगर फर्स्ट और टू में मुझे थोड़ी थोड़ी सी डाउट मतलब डाउट तो नहीं होना चाहिए था बट इन केस उसको पढ़ने में मुश्किल आ रही थी तो थर्ड ने कंप्लीटली क्लैरिटी कर दिया इस क्वेश्चन में हमारे आते सौ में से सौ नंबर द आंसर इज ए फॉर अमित वरीदी किलोर ठीक है सो आई डोंट थिंक सो सो वी डन राइट श्योर कैबिनेट इज हेडेड बाई द स्टेट नो दैट इज इन द प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट इज नॉट इन दार्लियमेंट्री पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट्री है हमारी चलिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट क्वेश्चन जिसमें स्टेटमेंट होती है और जिसमें मल्टीपल ऑप्शन भी होते हैं दे आर दी बेस्ट क्वेश्चन बेस्ट डर लगता है इनमें मुझे आ, मुझे लगता है पर्सनली कि जो वो सिंगल क्वेश्चन है ना एक एक क्वेश्चन और चार ऑप्शन है दो आर रियल रियल डिफिकल्ट टू डू क्यों क्योंकि उनमें परफेक्ट निशाना लगाना जरूरी है यहां पे दर इज लॉट ऑफ स्कोप ऑफ योर इंटेलेक्चुअल जिमनास्ट चलिए द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द सेंटर शेल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट

कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक रिजाइन मतलब प्रधानमंत्री पर, ने रिजाइन कर दिया तो सब रिजाइन कर देंगे एक uh, के अगेंस्ट वोट कॉन्फिडेंस वोट चला गया तो सबके तो ठीक है यूनियन मिनिस्टर्स शेल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग दी प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये हम कह ही चुके हैं यूनियन मिनिस्टर्स हो कोई भी मिनिस्टर हो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का उनको प्राइम मिनिस्टर कभी भी हटा सकते हैं कहा प्लेजर ऑफ प्रेजिडेंट जाता है बट इट इज क्लियर कि वो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर के हटा रहे हैं बट लीगली प्लेजर ऑफ प्रेजिडेंट बोला जाता है राइट सो इट इज राइट

ओके इकोनॉमिक जस्टिस वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स कॉन्स्टिट्यूशन कहां कहां राइट्स में इकोनॉमिक जस्टिस है प्रीएम्बल या डीपीएसपी में इकोनॉमिक जस्टिस है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में इकोनॉमिक जस्टिस है दिस इज गुड राइट फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी पढ़ते वक्त हमने बोला था तीन इंडिया प्रियम्बल में तीन प्रकार के जस्टिस है, राइट जस्टिस इज लाइक पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल, तीन जस्टिस है, राइट? फंडामेंटल राइट्स वी नो ओनली पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में बात करती है इकॉनमी के बारे में कोई बात ही नहीं। एक भी चीज नहीं है हटा दो कहीं से भी जहां से भी फंडामेंटल फंडामेंटल राइट इट इज पॉलिटिकल जस्टिस फंडामेंटल राइट क्या होता है तो वी कट दी फंडामेंटल राइट सो वी गेट दी प्रियंबल मेंशंस थ्री ऑफ जस्टिस पोलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिकल एंड डी पी एस पी इज सोशल एंड इकोनॉमिक्स जस्टिस यस बी फॉर बॉम्बे इट इज बी फॉर बॉम्बे इट इज यप इकोनॉमिक जस्टिस इज प्रियमल डी पी एस पी आसान है सरल क्वेश्चन है या तो हम लक्ष्मीकांत अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं इन क्योंकि आई एम एक्चुअली लिट बिट रिलीव क्योंकि अब तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं आई थिंक वी हैव ऑल डन इन दो लास्ट ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फोर लेक्चर्स इन of ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड इन अगेन It's a direct, क्या नाम है? बिल्कुल सीधा-सीधा क्वेश्चन -सीधा है ये, क्या नाम उसको? Uh, factual knowledge का question, okay? जिसने भी पढ़ा है उसको आता है एंड DPSP का जो लास्ट आर्टिकल है वो मुझे सिर्फ इसलिए याद है लिटरली क्योंकि वो लास्ट है आई आई वुड नॉट हैव रिम्बर डिटी अगर वो फोर्टी एट या फोर्टी नाइन्थ होता है सो डी पी एस पी इट इज बी फॉर बॉम्बे वी गॉट द आंसर राइट डी पी एस पी जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल uh, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी uh, प्रियम्बल प्रियम्बल में इंटरनेशनल पीस से रिलेटेड कोई बात फंडामेंटल फंडामेंटल फंदमें, ड्यूटीज में हो सकता है uh, नाइन्थ शेड्यूल में डेफिनेटली नहीं है आई गो फॉर बी डी पी एस पी क्योंकि मुझे याद है कि आर्टिकल नंबर जो फिफ्टी वन है दैट इज लेटेड टू द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी याद करने की जरूरत नहीं है घबराना मत कि आर्टिकल ही याद करने हैं बट ये जो पहले इक्यावन आर्टिकल्स हैं, ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे जब भी आप दो तीन बार रिवाइज करेंगे याव टू पुट अट एफर्ट थोड़ा बहुत हल्का फुल्का याद करने का एफर्ट कीजिएगा जोर मत ला लेकिन आर्टिकल ही बिल्कुल याद करने पड़ते हैं आसानी से याद हो जाएंगे नॉट टू भी हार्ड हाँ ठीक है नथिंग एल्थ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चनल गवर्नमेंट इज वन विच

अगर ये एंटी स्टेट नहीं होती तो चार ऑप्शन में से कुछ भी ऑप्शन हो सकता था नाउ इवन दो अगर हमें ये आंसर गलत भी हुआ तो भी हमारी प्रोबेबिलिटी है इसको हिट करने की 50 है एनी क्वेश्चन की 50 परसेंट प्रॉबिबिलिटी होती है उसको सॉल्व करना चाहिए हमेशा अब हमें सिर्फ ये लगाना है अगर नहीं आता हो तो ए या बी चलिए अब देखते हैं वैसे कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट क्या करती है विल बी एबल टू सॉल्व इट इट्स आई बिलीव इफेक्टिव ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट अथॉरिटी प्लेस इज इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शन अथॉरिटी ऑफ स्टेट एक्चुअली मैं यू नो वट इट प्लेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शन ऑन अथॉरिटी ऑफ द स्टेट्स इन इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअुअल लिबर्टी राइट जो स्टेट होती है वो इंडिविजुअुअल की लिबर्टी खाने फंडामेंटल राइट आर नेगेटिव इन नेचर वी हैव स्टडीड दैट डी पी एस पीज आर पॉजिटिव इन नेचर तो नेगेटिव का मतलब क्या है कि वो रिस्ट्रिक्शंस वो लिमिट बता रही है स्टेट की इंडिविजुअल की लाइफ में कहाँ तक नहीं जा सकती है सो so, इसका आंसर वुड बी विल बी 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 फॉर बॉम्बे टू ओनली राइट टू ओनली बट अगर मुझे नहीं आता होता ना तो ये तुक्का तो इस पर तो जाना था तुक्का क्योंकि ऑलमोस्ट फिफ्टी परसेंट पे आ चुके हैं तो यहाँ से तो लौटने का कोई तरीका था ही नहीं थोड़ा सा भी सोच समझ के लॉजिकली वी वॉन इट किसी भी क्वेश्चन को किसी भी सवाल को ना बहुत डीपली पढ़ो बहुत डीपली अब जैसे ही सवाल को द पर्सन जिसने कॉन्स्टिट्यूशन कभी नहीं पढ़ा हो जिंदगी में वो जब इस सवाल को पढ़ेगा ना

फंडामेंटल राइट डीपीएसपी इज सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एंड यस फंडामेंटल राइट एनफोर्सिंग बेसिक नॉलेज बेस्ड बट बेसिक कॉन्सेप्ट ओके एक बार की रीडिंग से क्वेश्चन होगा दूसरी रीडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी दिस इज द फर्स्ट थिंग विच यू लर्न अबाउट डीपीएसपी दीज आर द ओनली टू थिंग्स विच यू लर्न अबाउट डीपीएसपी सो वील से बोथ आर करेक्ट सी फॉर कैटरीना नो नो दैट्स के फॉर कैटरीना सी फॉर कैटरीना Caterina. So C is the answer. Both one and two are uh, correct. हाँ, ये भी याद कर लिए। कई बार वो पूछ लेते हैं, both wrong में उसमें भी confusion होता है। अब वो is or are correct? Yes, both are correct. So we are done with this. Good to go for us. All right. Who and which of the following is the custodian of the Constitution of India? This is uh, UPSC smartness. See, उन्होंने ने who और which कर दिया। तो prime president अगर है तो who होगा? और सुप्रीम कोर्ट है तो विच हो जाएगा लोकसभा सेक्रेटरियट है तो विच हो जाएगा सो देर स्मार्ट इनफ इन केस दे देव मेड दिस मिस्टेक यू कुड हैव यूज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन दैट इज द स्मार्टनेस्ट ऑफ मतलब कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिस पे क्वेश्चन किए जा सकते हैं एंड दे डू मिस दिस वंस इन अ वाई ठीक है सो हू एंड ऑफ कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट्स द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नॉन डिबेटेबली नॉन नेगोशिएबली दिस आई कैन रिमेंबर इट

डेलीट इज चलिए टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट दॉवरिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज अ प्रोविजन मेड इन प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज सो ओकेट ओके यहां पर हंच वॉज फर्स्ट हंच पी प्रीएम्बल पी में तो नहीं है फंडामेंटल राइट में भी नहीं है I'm pretty, pretty sure, तो जो नहीं होता उसको इमीजिएटली काटो फंडामेंटल राइट right में नहीं है डी पी एस पी में भी नहीं है टू अपोल्ड एंड प्रोटेक्ट नो नहीं देर माइट बी प्रियम्बल क्योंकि यूनिटी इंटीग्रिटी सॉवरिटी सारे के सारे वर्ड उसमें हावेवर दे मेड अस्टेक देक अस्टेक द गेव यू हिंट द गेव यू हिंट इन्होंने ना इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में दे दिया टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट दॉवरिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया अगर ये प्रियम्बल में होता ना तो ये इस प्रकार से नहीं दे पाते it has to be in the fundamental duties yes this uh, question was solved due to the grammatical structure of the question they gave it in the inverted commas agar ये क्या नाम है उसका प्रियम्बल uh, में होता है ना दे वुड नॉट हैव गिवन इट लाइक दैट ये एक कंप्लीट स्टेटमेंट है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट हाँ याद आ गया मुझे बिल्कुल सही कह रहे फंडामेंटल ड्यूटी दिस इज फंडामेंटल ड्यूटीज माय बैड ये मैंने पता नहीं कैसे प्रियम्बल सोचे से शब्दों से कंफ्यूज हो गया था दिस इज फंडामेंटल ड्यूटीज बट आई वॉज एबल टू सॉल्व दिस स्पेसिफिकली बिकॉज आई वॉज फोकसिंग ऑन द क्वेश्चन मुझे इन्वर्टेड कॉमर्स दिख गए मैंने कहा इसका मतलब क्या होता है ट्रिक hmm.

एंड डिजोल्यूशन ऑफ द लोकल बॉडीज आई आई एम बींग ऑनेस्ट विद यू आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बट ड्यू टू द मिस्टेक ऑफ यू पी एस सी आई एम डूइंग इट डिजोल्यूशन ऑफ लोकल बॉडीज लोकल बॉडीज को तो डिजोल्व नहीं करता प्रेजिडेंट रूल बूम 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 ए क्योंकि मुझे इस बात पर डाउट आ गया था कि प्रेजिडेंट uh, रूल के टाइम देर आर टू ऑप्शन कर देते हैं स्टेट so, तो ये फन नहीं बनता है क्योंकि बट ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए सोल्व हो पाया है कि रेजोल्यूशन ऑफ लोकल बॉडीज़ लिख दिया विच इज डेफिनेटली नॉट और यह इसमें कैसे सोचना हमने जब यह चैप्टर पढ़ा था ना यह वर्ड ही नहीं आया था वी एव रेड दट होल चैप्टर और हम ये बात तो अंदाजा पूरा लगा सकते हैं कि यह वर्ड आया ही नहीं था डेजोल्यूशन ऑफ लोकल बॉडीज़ जो वर्ड है वो चैप्टर में आया ही नहीं था इमरजेंसी के चैप्टर में 356 आर्टिकल के अंदर सो बूम सर आंसर इज ए फॉर अमित वरिदी लोर आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एनश्राइन्ड इन दी ओके सेवेंथ शेड्यूल में नहीं है द फर्स्ट क्लैरिटी सबसे पहले ओमिशन करना होता है सेवन्थ शेड्यूल में तो हमारे जो सब्जेक्ट है वो डिवाइडेड है एक्चुअली में हमने बारह शेड्यूल्स में सिर्फ एक ही पढ़ा है अब तक मेरे ख्याल से सिर्फ सेवंथ के बारे में डिस्कस करते रहते हैं सेवन शेड्यूल तो नहीं है फंडामेंटल राइट इज वेलफेयर स्टेट नो डीपीएसपी प्रियम्बल मुझे लगता है कि इसमें दो ऑप्शन पे जाऊंगा मैं जीरो ऑन ऑन दियम्बल एंड डीपीएसपी ओके एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर विच आई एम जेनवनली ऑफिशियली कन्फ्यूज अबाउट एंड आई बिलीव इसमें ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है ऑन एन हंच आई एम गोइंग फॉर बी फॉर बॉम्बे एंड लेट्स अगर इसमें कोई गलती होगी तो मैं टेलीग्राम चैनल में आई uh, मैं इसके बारे में क्लैरिटी दे दूंगा ठीक है मुझे लगता है डीपीएसपी में वेलफेयर स्टेट दिया हुआ है क्योंकि वही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बताता है बट प्रियम्बल में भी सारी की सारी चीज़ें लिबर्टी देनी है उसकी फेथ की वर्शिप की एक्सप्रेशन की जस्टिस देना है इकोनमिक पोलिटिकल सोशल फ्रेटर्निटी बचानी है

टरी सिस्टम ऑफ गवर्न इन व्हाई लोकसभा इज इलेक्टेड डायरेक्टली पार्लियामेंट कैन अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन राज्यसभा कैन नॉट बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज़ रिस्पांसिबल टू लोकसभा ओके अच्छा देखो ट्रिक क्या है ट्रिक क्या है ना कि सारी स्टेटमेंट सही है सारी स्टेटमेंट्स है लोकसभा इज इलेक्टेड पार्लियामेंट कैन मैंड राज्यसभा कैन नॉट बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज टू लोकसभा हावर दिस इज अ ट्रू कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन वेर यू हैव टू आइडेंटिफाई कि इन चारों सही स्टेटमेंट्स में से पार्लियामेंट्री स्टेटमेंट किस में आती है पार्लियामेंट्री सिस्टम कौन सा होता है दिस इज डायरेक्टली इज इलेक्टेड डायरेक्टली ये तो यार प्रेजिडेंशियल में भी है यूएस में भी जो लोकसभा है हाउस ऑफ पीपल जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड होता है इट्स नॉट ए स्पेसिफिक टू पार्लियमेंट्री सिस्टम पार्लियमेंट कैन हमेंट्री नहीं है तो इसका मतलब यह है कि इसकी भी दूसरी चीज एग्जिस्ट करती है राज्यसभा राज्यसभा जो कि बेसिकली यूएस पे भी अप्लाई होता है अगेंस्ट इस पार्लियामेंट को रिलेटिवली प्रेजिडेंशियल से कंपेयर करोगे सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा इज क्यों? क्योंकि वहां पे जो कैबिनेट होता है लेजिस्लेटिव एक्जैक्टली मॉटर टाइप कंपार्टमेंट है एक्जीक्यूटिव अलग है लेजिलेटिव बिल्कुल अलग है और जो प्रेजिडेंट का कैबिनेट होता है लेजिस्लेशन यानी कि कांग्रेस यूएस गवर्नमेंट यूएस पार्लियामेंट सो डी इट इज डी फॉर डेली ऑल राइट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉस यही तो होता है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट और क्या होता है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट रिस्पांसिबिलिटी चाहिए या स्टेबिलिटी चाहिए यही तो चुना था हमने हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूरी है हमारे लिए सो वी विचोज रिस्पॉसिबिलिटी ऑलरेडी द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया द पावर टू लेजिस्लेट ऑन एनी आइटम इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट इफ रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट हाँ तो स्टेट ये हमने पढ़ा पार्लियामेंट को पांच बार ऑप्शन मिलता है स्टेट लिस्ट में uh, क्या नाम है uh, कानून बनाने के लिए वोट आर दोस्ट द फर्स्ट वन इज लोकसभा अ सिंपल अगर एक रेजोल्यूशन पास कर दे लोकसभा सिंपल मेजोरिटी से लोकसभा कर दे टू थर्ड से राज्यसभा कर दे सिंपल मेजोरिटी से और राज्यसभा कर दे टू थर्ड से देखो फिर फंस गई यूपीएससी ठीक है यूपीएससी देखो यहां पे अगेन चार स्टेटमेंट है लेकिन इसमें से दो गलत है पहले ही अंदाजा लगा सकते हो इन्होंने ऑप्शन लिख दिया लोकसभा बाय सिंपल मेजोरिटी राज्यसभा बाय सिंपल मेजोरिटी लोकसभा बाय टू थर्ड मेजोरिटी और राज्यसभा बाय टू थर्ड मेजोरिटी तो यानी कि दे आर एक्चुअली सेंडिंग अस इन सम काइंड ऑफ एक इन्होंने

कि फेडरलिज्म या स्टेट से संबंधित कोई मुद्दा होता है तो उसमें राज्यसभा का ही रोल होता है लोकसभा का नहीं होता बिकॉज दैट इज द इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स तो दिन सोनली हम आसानी से आइडेंटिफाई करके लोकसभा वाले मुद्दों को हटा सकते हैं कि लोकसभा का कोई रोल ही नहीं है स्टेट लिस्ट में जब भी फेडरलिज्म का इशू है तो राज्यसभा की इंपॉर्टेंस है ठीक है दूसरा राज्यसभा बाय सिंपल मेजोरिटी एंड राज्यसभा बाय ऑफ नॉट लेस देन अगेन यहां पर भी देखो कॉमन सेंस जो मैं लगाऊंगा मुझे लगता है जो भी फेडरलिज्म के इशूज है उनमें कभी भी सिंपल मेजोरिटी यूज नहीं होती है एज फार एज आई रिमेंबर अगर कोई होगी तो एक्सेप्शन हम बता देंगे अगर फेडरलिज्म यानी कि जो स्टेट लिस्ट है उस पर एक पार्लियामेंट लॉ बना रहा है ये तो फेडरलिज्म का इशू हो गया सो so, मेजोरिटी उसके अंदर स्पेशल चलेगी आई विल गो फॉर डी फॉर डेली पांच परसेंट का डाउट है इसमें मेरे दिमाग में पांच परसेंट का आई क्लियर इट इन केस इट कम्स अप अगर आपको चेक कर लो तो सही रहेगा

हाँ, सी यहां पे फंस गए देखो पियम्बल में वो दिया हुआ तीन जस्टिस जस्टिस ऑफ पॉलिटिकल जस्टिस पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सोशल यहां फंस गए ये बस द एक तो सबसे पहले इसमें तुम्हें खुद ही लॉजिकली देखना चाहिए था ऑल दीज थ्री आर सिमिलर लिबर्टी ऑफ लिबर्टी ऑफ लिबर्टी ऑफ दिस वन इज ऑलरेडी एन आउटलायर ठीक है जरूरी नहीं है ऐसा आंसर निकालना बट यू शुड इमिजिएटली

ये याद कर लेना कि फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट में क्या जोड़ा है लेकिन एक्चुअली में वो याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो क्वेश्चन पूछा जा चुका है और अब दोबारा वो कभी पूछा गया कोई कि फोर्टी सेकेंड अमेडमेंट में प्रियम्बल में क्या जोड़ दिया था कौन से तीन शब्द थे चलिए द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी है वी हैव डन इट आई एक्चुअली डिड टेल यू इन द लेक्चर द प्रीएम्बल इज द थिंग फंडामेंटल राइट्स में माइंड नहीं होता है डीपीएसपी में नहीं होता है फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं होता है पहले क्यों सबसे पहले अच्छा फंडामेंटल ड्यूटीज तो गई क्यों वो तो वैसे अमेंडमेंट से जोड़ी है वो 20 25 26 साल के बाद जोड़ी गई थी तो फंडामेंटल ड्यूटीज तो भाई दिमाग तो की दिमाग की बात तो करेंगे नहीं तो ये तो वैसे काट दोगे इसको नहीं भी आता हो तो भी काटोगे तो लॉजिक से काटोगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज अमेंडमेंट से आई है तो छब्बीस साल बाद थोड़ी ना दिमाग दिखेगा उनका अच्छा डीपीएसपी इंस्ट्रूमेंट वो है क्या नाम है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन सो दे कांट बी द माइंड फंडामेंटल राइट हमने यूएस से उठाए हैं तो वो भी बेसिकली हमारे को नहीं लग सकता है uh, दो अगर नहीं भी पढ़ो इट वॉज अ फार फेच लॉजिक अमल तक पहुंचना मुश्किल था इस लॉजिक के द्वारा ज्यादा आसान होगा कि आपने किताब में पढ़ ही लिया हो तो आसानी से आ जाए बट स्टिल इफ यू थिंक अबाउट इट देर इज नथिंग एल्स और कुछ लॉजिक बन भी नहीं रहा है यहाँ पे फंडामेंटल राइट हमने मतलब तो कहीं और से उठाई हैं जो जो चीजें और से कहीं और से उठाई हुई हैं वो कैसे हमारे फाउंडिंग फादर्स के दिमाग बोला जाएगा चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्विसेज बाई द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ठीक है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींगस अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन ठीक है ओके प्रोहिबिशन प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज माइनॉरिटी राइट है तो वो राइट अगेंस्ट एक्सपोराइट जैसे हमें पता है राइट right? हम आसानी से याद करके बता सकते हैं इक्वेलिटी वाली फ्रीडम है पहले राइट right? इक्वेलिटी वाली फंडामेंटल राइट right है फिर राइट टू फ्रीडम है उसके बाद राइट टू एक्सप्लाइटेशन है जो कि दो ही आर्टिकल है ये भी याद है हमें ठीक है थ्री हटा दो आ, थ्री हट गया प्रोटेक्शन ऑफ वाला इंटरेस्ट राइट वाला बच गया वन दोनों में है फोर दोनों में है वी ओनली हैव टू डिसाइड कि टू है या नहीं है ओके okay, टू है या नहीं है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी अच्छा यहां पे दिस इज द ट्रिक हियर दिस इज द ट्रिक विच आई बिलीव राइट अगेंस्ट एक्सप्लोर्ट अनबिलिटी इज काइंड ऑफ एन एक्सप्लोर्टेशन राइट सो जो अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है वो एक्सप्लोइटेशन से बचाने के लिए ही है राइट right? बट यहां पर अब क्वेश्चन आपने देखना है समझने की जरूरत ही है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लोर्टेशन ये स्पेसिफिक हेडिंग यूज किया गया है तेईस और चौबीस वाले आर्टिकल के लिए स्पेसिफिक तो यहां पर अब आपको कॉन्सेप्चुअल जंप नहीं मारना है

विथ ऑल बाय सी फॉर कैटरीना कैट बोले तो बिल्ली वाला कैटरीना तो दैट सी लाइक सी सी इट इज वन एंड फोर ओनली अबोल्यूशनिटी को वो राइट अगेंस्ट राइट टू इक्वेलिटी के अंदर आएगा ठीक है विच आर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट ओके दिस इज अ गुड क्वेश्चन दिस इज टोटली कॉन्सेप्ट बेस्ड राइट आर क्लेम्स ऑफ स्टेट अगेंस्ट दिटीजन

यहां पे ये फिर फंस गए क्यों फंस गए चारों में ध्यान से देखो ये जो दोनों स्टेटमेंट है ना ये एक दूसरे की एंटी है एंटी स्टेटमेंट राइट राइट, सर स्टेट स्टेट है। राइट स्टेट स्टेट स्टेट। एंटी है इसका मतलब क्या हुआ कि अब बाकी सब कुछ इररिलेवेंट है या इन्हीं दोनों में से सही है इन्हीं दोनों में से गलत है अब ये दोनों बकवास है राइट और ये सब बकवास हो गया अब ये क्यों क्योंकि 180 डिग्री वाली स्टेटमेंट आ गई हमारे पास और 180 डिग्री स्टेटमेंट का मतलब है कि इसमें से एक सही होगा इसमें से एक गलत होगा देर इज नो वे आउट ऑफ इट बाकी अब मेरे को बी ओ डी नहीं पढ़ना है. अब मैं सिर्फ ए और सी में ही जाऊंगा ऑलरेडी फिफ्टी परसेंट पर पहुंच गया यूपीएससी की वजह से मैंने सोचा भी नहीं था पढ़ा भी नहीं था राइट आर क्लेम्स ऑफ सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट सी इज फॉर दैटरीनाज दंसर नो डाउट अबाउट इट भाई अधिकार बनाए ही इंसानों के लिए इंडिविजुअल्स के लिए स्टेट के पास तो हमेशा से पावर रही है ऑल वर्ल्ड में मोनार्की मोनार्की सबके पास हमेशा से पावर थी मॉडर्न डेमोक्रेसी का मतलब क्या मॉडर्न डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि इंडिविजुअल को स्टेट पावर से कैसे बचाया जाए दिस इज वट मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट आर कि माइनॉरिटी को मेजॉरिटी ऑपरेशन से कैसे बताया जाए मेजॉरिटी हैज ऑलवेज बीन इन एडवांटेज मेजॉरिटी को तो हमेशा सिक्योर रहे हैं मेजॉरिटी के पास हमेशा पावर रही है असली में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडर्न डेमोक्रेसी है उसका purpose क्या है कि इंडिविजुअल को स्टेट की पावर से कैसे बचाए और जो माइनॉरिटी ग्रुप है उसको majority operation से कैसे बचाए इसके अलावा बनाने की जरूरत क्या थी यही थी यही so, uh, मेरे को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी of इन following is वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिलेशन बिटवीन द duties एंड okay. द भी प्योर कॉन्सेप्चुअल questions ठीक है मुझे अंदाजा है कि 2015 के बाद पहुंच चुके हैं ठीक है राइट्स आर को रिलेटिव विद ड्यूटीज राइट्स आर को रिलेटिव राइट आर पर्सनल इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी एंड ड्यूटीज राइट्स नॉट ड्यूटीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द सिटीजन ड्यूटीज नॉट राइट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट सी और डी एंटी स्टेटमेंट है एक दूसरे की देखिए एक में राइट्स को प्राइमरी दे दिया कि राइट्स आर इंपॉर्टेंट ड्यूटी नहीं है दूसरे में ड्यूटीज को प्राइमरी दे दिया राइट्स नहीं है ठीक है अब आपको लगेगा कि ये सी और डी में से एक सही होना चाहिए हावेवर ये उस प्रकार के एंटी स्टेटमेंट नहीं है नोटिस करो यहां पे यहां पे क्या स्टेटमेंट है इन दोनों स्टेटमेंट को एक स्टेटमेंट कंपाइल भी कर रही है राइट्स आर को रिलेटिव विद ड्यूटीज एक में राइट्स को ऊपर दिखाया है एक में ड्यूटीज को ऊपर दिखाया है और एक स्टेटमेंट कह रही है कि राइट्स और ड्यूटीज बराबर होती हैं ठीक है राइट्स और ड्यूटीज की ए फॉर अमित वरीदी कल किलोर इज द राइट आंसर ऑफ दिस आंसर दो ये मुझे पता इसलिए चला है कि सी चमत्कार करने की कोशिश की एंटी स्टेटमेंट दे दी दोनों के दोनों ये एंटी स्टेटमेंट ना एक्सट्रीम है एंटी स्टेटमेंट एक्सट्रीम क्या दोनों स्टेटमेंट को पढ़ोगे एक को बिल्कुल खारिज कर दिया गया है कि या तो राइट right, ड्यूटी की कोई वैल्यू नहीं है ड्यूटी या फिर राइट right की कोई वैल्यू नहीं है और यार कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूटी लिखी हुई है तो किसी चीज को कंप्लीटली तो खारिज किया ही जा ही नहीं सकता और हर जगह पे उद्देश्य बेसिकली बैलेंस बनाने का सो बाय लॉ दिस मेक्स हंड्रेड परसेंट सेंस कीटिव द करेक्ट ऑप्शन फॉलोइंगज एडेड टू दी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बाई दिसंट आपको पढ़ना क्या है यानी कि जो जो चीजें अमेंडमेंट से एड हुई है डीपीएसपी में यू शुड है लुक एट इट रिमेंबर इट सीधा पूछा गया तो इम्पॉसिबल है कि हमने बाद में जोड़ा हो क्योंकि ये बड़ा हल्ला हो हल्ला हो जाता बाद में कि महिलाओं को हमने बराबर कर दिया था पहले देने सब कुछ मेरे हिसाब से तो ठीक है ए नॉट एबल टू रिमेंबर क्लियरली बट फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट ने चार शायद डीपीएसपी जोड़े थे टोटल हमारे पास सात या आठ अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए हैं राइट तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ ये होनी चाहिए ठीक है राइट टू वर्क एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस सिक्योरिंग लिविंग वेज एंड ह्यूमन एंडीशन ऑफ वर्क टू वर्कर्स participates to some workers in the management industries. Huh, I would go for B uh, with a slight doubt and a little advantage of the, my knowledge. I will go for B for Bombay and uh, I'll clear it in case अगर ये गलत हुआ है तो मैं cover कर दूंगा but I think सही है ये ठीक है इसका answer B for Bombay होना चाहिए था आप इस questions को check भी कर लीजिएगा मेरी तरफ से अगर गलत हुआ होगा I will update in the Telegram channel of ours. All right. राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज अके दिस इज गोइंग टू बी फोन दिसन ऑफ दिशा दिस विलइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट वी नो राइट टू वोट है ही फंडामेंटल राइट तो वो तो, तो याद है हमें सारी गया इट इज ए नेचुरल राइट नेचुरल राइट भी नहीं हैचुरल राइट नहीं, right नहीं होता किसी का भी ठीक है चलिए भी गया इट्स अलट right और इट्स ए लीगल राइट सवाल यहां पर पैदा होता है कि वेदर इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और इट्स अ लीगल राइट कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ये लिखा हुआ है कि आपके पास वोट करने का अधिकार है और आपको इलेक्टेड होने का अधिकार है या ये लीगल राइट right है दिस इज एक्चुअली कंफ्यूजिंग अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स में बैठे हो तो कंफ्यूजन क्यों होगा देखो मैं बताता तो. हूं दो चीजें हैं यहां पे यहां पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट right है तो ये ऑटोमेटिकली लीगल राइट भी होगा अगर ये फंडामेंटल राइट right है तो भी ये ऑटोमेटिकली कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी होगा तो यानी कि दो ऑप्शन में वो ऐसे दे नहीं सकते दे भी देते हैं मतलब कि ठीक है उसमें से बेस्ट चुनना पड़ता है सो इट्स नॉट लाइक दैट अकॉर्डिंग टू मी इट इज अ लीगल राइट क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एग्जैक्टली exactly ये नहीं दिया हुआ राइट टू वोट यूनिवर्सल अटल्ट फ्रेंचाइज दिया हुआ है एंड दे है डिफरेंट लैंग्वेज ये डेफिनेटली इसकी इसकी जो डिटेल डिस्कशन है फिफ्टी है परसेंट इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो बताऊंगा आई वुड सी डी फॉर डेली इस दी आंसर लीगल राइट इट शैल बी एंड वाई इट इज़ नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं स uh, दिस we'll ये क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करिए तीन क्वेश्चन हो चुके हैं तो क्यों नहींगल राइट चलिए विच वन ऑफ दॉटी फेडरलिज्म बड़े क्वेश्चन गलत कराता इसलिए मिस्टेक नॉट बाकी तीन है एक नहीं है याद रखना

वन ऑफ द इंप्लीकेशन ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज द एबेंस ऑफ वा एबसेंस ऑफ आइडियोलॉजी हटा सकते हैं आइडियोलॉजी की एबसेंस नहीं होती है सब अलग अलग आइडियोलॉजी हमारी सोसाइटी में एक्जिस्ट करती है कंपटीशन भी नहीं कंपटीशन भी होता है आई बिलीव द ओनली की हियर इज अबाउट की प्रिवलेजेस एबसेंट रहते हैं या रिस्ट्रेन एबसेंट रहते हैं इट्स अ गुड क्वेश्चन इट्स अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ये अच्छी तरह से ये वो ये वाला क्वेश्चन है जो कि दूसरी या तीसरी बार लक्ष्मीकांत पढ़ने पे याद होता है पहली बारी में करना मुश्किल होता है पहली बारी में से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा कैच होती है वन ऑफ द इम्प्लिकेशन ऑफ इक्वालिटी इन द सोसाइटी अगर देश के अंदर सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी जनरेट हो जाती है तो उसका मतलब ये है कि किसी को भी रिस्ट्रेन नहीं है या किसी को भी प्रिवलेज नहीं है ए आई वुड गो विच आई बिलीव इज प्रोबली द फर्स्ट रॉन्ग हेयर दिस इज ट्रूली दिस इज ट्रूली

कौन सी आती है आर्टिकल 14 और फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट आर्टिकल 17 और डीपीएसपी आर्टिकल आर्टिकल 21 एंड फ्रीडम 24 दैट क्लियर इजी राइट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 वन है uh, अब 17 वाला यार अनटचेबिलिटी हो गया ये कट जाएगा अनटचेबिलिटी का कोई लेना देना नहीं ऊपर वाली चीजों से आर्टिकल ट्वेंटी अगेन वो राइट टू एक्सप्लाइटेशन है उसका भी कोई लेना देना नहीं उनसे ओके एंड फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट ने सारे ऐसे काम किए थे जिसमें राइट right टू मतलब अच्छे काम नहीं किए थे फोर्टी सेकेंड में फोर्टी सेकेंड टोटेलिटेरियन टाइप ऑफ अमेंडमेंट थी तो उसको ऐसी तो चीज़ है नहीं कि उसमें कुछ फायदे की चीज़ दिखती थी वो तो सारी उल्टी कर दी थी हमने चवालीस से एंड इवन दो हमें उसके बारे में उसके ऊपर जाना भी नहीं है क्योंकि दैट हो भी सकता था बट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल ट्वेंटी वन में ही आती है सो सी फॉर कैटरीना तो कैट सी फॉर कैट

प्रेजिडेंट कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द स्टेट डी फॉर डेली हाँ प्रेजिडेंट कैन मेक लॉट सो इट इज नोट इज प्रेजिडेंट रूल प्रेजिडेंट रूल क्यों कहते हैं उसको प्रेजिडेंट बोल सकता है पार्लियामेंट को बनाने के लिए बट टेक्निकली प्रेजिडेंट कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू दैट स्टेट सो इट इज डी फॉर डेली ऑटोमेटिकली डिजॉल्व नहीं होती है क्यों क्योंकि सस्पेंड भी कर सकते हैं सो दे इज दैट वी विल गो फॉर डी फॉर डेली फॉर दिसके which one of the following reflects the nicest appropriate relationship between law and liberty focus on the words here okay it means to say that there might be several uh, interpretation of it so they are asking which is the nicest appropriate between law and liberty okay if there are more laws there is less liberty okay if there are no laws there is no liberty if there is liberty laws have to be made by the people that doesn't make any statement does it if laws are changed too often liberty is in danger uh, c is the first absurd statement which has hit me if there is liberty laws have to be made by the people it simply doesn't make any sense to me either' I'm going for it if laws are changed too often liberty is in danger i i I, I, I don't think so that's that's not necessarily ज हो ही नहीं रहा अच्छे लॉस को हम बार बार इंप्रूव करते रहे तो फिर लिबर्टी डेंजर होगी सो नहीं, नहीं होगा अच्छा इफ देर आर मोर लॉज देर इज लेस लिबर्टी इट के नॉट बी यूनिवर्सलाइज्ड देर इज अट

याद रखिएगा जो भी हमारी तरफ से अगर कोई क्वेश्चन आपकी आपको लगे कि गलत हो गया है वो उसकी क्लैरिफिकेशन आ जाएगी द ओनली पॉसिबिलिटी दिस माइट गो रॉन्ग इज बिकॉज आई हैड नो आइडिया द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग अप चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज द फीचर मेन फीचर ऑफ द रूल ऑफ लॉ रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है उसके मेन फीचर क्या होते हैं लिमिटेशन ऑफ पावर्स इक्वेलिटी बिफोर लॉ पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट लिबर्टी एंड सिविल राइट्स this is confusing to me. me. I will believe me. Uh, People's सिबिलिटी टू गवर्नमेंट rule of law का मतलब क्या Law का rule है right? कानून का rule है ठीक है कानून का rule है उसमें government नहीं वैसे मैंने तीन हटा दिया है तो तीन में basically दो हट गए हमारे पास से ये भी हट गया ये भी हट गया तो हमारे पास फोर कॉमन हो गया liberty and सिविल rights रूल ऑफ लॉ में आते हैं Second भी कॉमन हो गया इक्वालिटी बिफोर लॉ रूल ऑफ लॉ होता है वन इज बचा वन का जानना है हमें कि लिमिटेशन ऑफ पावर रूल ऑफ लॉ में आती है या नहीं आती आई डोट नॉट नो दंसर ऑफ दिस क्वेश्चन पूरी मी मतलब इट सीम्स लिमिटेशन ऑफ पावर रूल ऑफ लॉ में होगी इट सीम्स की नहीं भी हो सकती है आई मेरा दिल कह रहा है कि टू एंड फोर पे जाऊं मैं इसको पास कर रहा हूँ नॉट सॉल्विंग इट इसकी जो है विल कम इन द नेक्स्ट ओके सो आई एम लीविंग इट हियर

फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्ट इन द लास्ट वाले में सारे के सारे कॉन्सेप्टिसन देर जे पेपर कराते हैं एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट दी जस्ट डिड अ क्वेश्चन रिलेटेड टू इट जहां पर मैं कह रहा था कि लिबर्टी जो है वो एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन होता है ओके uh, बी okay, मेरा तो फिर तो हॉबी अभी किया था थोड़ी देर पहले तो यहां पर तो आई थिंक वी आर क्लियर एबसेंस ऑफ रिस्ट्रेन प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टनी ऑफ पॉलिटिकल रूलर्स ये लिबर्टी नहीं है लिबर्टी इज हमारे से हमारे को लिबर्टी चाहिए ले, ले, हमारी कौन सी है लिबर्टी राइट अपॉर्चुनिटी टू डू वन डू वट एवर वन ये तो हो नहीं सकता इसका तो मतलब होगी तुम क्राइम कर सकते हो अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली यस ओके बट मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी ढूंढना है एंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन इज डेफिनेटली एबसेंस ऑफ रिस्ट्रेंस बी फॉर बॉम्बे इज कुल ये नॉर्मल है एब्सेंस जब भी आप लिबर्टी के बारे में कभी शब्द सुनेंगे एनसीआरटी में लिखा हुआ है शब्द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट लिबर्टी इज एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट ये क्लियर वर्ड है कोई समस्या की बात नहीं है ऑल राइट सो फाइनली हमने लेक्चर नंबर 25 में हमारे जो पिछले 24 लेक्चर्स के जो भी क्वेश्चन आंसर्स थे प्रीवियस ईयर्स के वो किए आई एम एक्चुअली लिटिल बिट रिलीव्ड क्योंकि ऑलमोस्ट नाइन्टी परसेंट ऑफ दोज क्वेश्चन एक्सेप्ट सम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो कि ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं उन लेक्चर्स में बट उनके लिए आपको बेसिकली किताब पढ़ना ज्यादा जरूरी है बाकी जो भी कोई चीज थी वी हैव आई एम वेरी मच रिलीवड कि हम जो कर रहे हैं बिकॉज वी आर ट्राइंग टू मेक इट कॉम्प्रिहेंसिव तो एक्जेक्टली exactly सारे के सारे यूपीएससी के क्वेश्चन अगर आपने चौबीस लेक्चर पिछले वाले ढंग से किए हैं और उसके बाद किताब अच्छी तरह से नोट्स पढ़े रिवाइज किए तो यू विल बी डू यू विल भी एबल टू डू ऑल ऑफ दम ठीक है

यू शुड ऑल्सो स्टार्ट अटैम्प्टिंग प्रिलिम्स क्वेश्चन जो भी हमने चैप्टर कर लिए हैं उनके प्रिलिम्स क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले या लास्ट ईयर्स वाले उनको अटैम्प्ट कीजिए दे गिविव यू एन आइडिया कि क्या पूछ रहे हैं क्या नहीं पूछा जा रहा है होप फुली वील कंटिन्यू सच एम सी क्यू सीरीज इफ़ यू लाइक अगर आपको ये पसंद आई हो दीज एमसी क्यू क्वेश्चन हाउ वी आर डूइंग इट तो मुझे कमेंट्स में बताओ यार अगर आपको पसंद है तो विल ट्राई टू इन्श्योर इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ाई जाएगी एम सी क्यू क्वेश्चन करने की राइट इफ़ यू लाइक डिट डेफिनेटली सो good to go i'll see you in the next chapter number 26 which is a genuinely difficult chapter we will we'll start discussing about the parliament which is the longest chapter in the lakshmikant and has several nuances it will get confusing and boring very soon so agle jo teen lecture hain unko thoda sa dhyan se focus se dekhna उनसे जो क्वेश्चन आते हैं वो सबसे ज्यादा गलत होने की जो संभावना है उन्हीं में से होती है पार्लियामेंट के जो क्वेश्चन है वही सबसे ज्यादा मैक्सिमम गलत होते हैं चैप्टर इज लॉन्ग एंड इट हैज लॉर्ड ऑफ बेसिक्स इंफॉर्मेशन और बहुत थोड़ा सा वो न्यूएंस भरा है ठीक है सो ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन एंड ट्वेंटी एट वुड भी रिलेटेड टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया उसको ध्यान से कर लीजिएगा आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास है